तो गाइस जैसे हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए फोन पे गूगल पे पेटीएम यूज करते हैं, आपको बता दूं ये सभी जो है आप विद इंटरनेट के साथ, अगर आपके पास इंटरनेट है एंड स्मार्टफोन है तब जाके आप अपना मोबाइल से पैसे को सेंड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कोई भी बैंक या कोई भी यूपीआई आईडी पे। बट गाइस यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या तो फिर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई भी आप मोबाइल से जो बजट फोन है यूएसएसडी कोड डायल करके आप अपना कोई भी बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, पैसे सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो एंड यूपीआई पिन अगर आप चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कोई भी दुकान पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर वहां पे आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या तो फिर आपका अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, यहाँ पे मेरा जो है वाईफाई एंड इंटरनेट मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास जो फोन पे गूगल पे है बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं करेगा एंड यहाँ पे आपको मैं बैलेंस चेक करने जाता हूँ। बैलेंस जैसे मैं चेक करने जाऊंगा यहाँ पे जो है नो इंटरनेट कनेक्शन दिखाएगा। तो अभी कैसे आपको क्या करना है, एक ट्रिक अप्लाई करना है, आपको जो डायल पैड में जाना है सिंपली एंड डायल पैड में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोड डायल करना है *99#। जैसे आप डायल करोगे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें से आपको डायल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका जो बैंक के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें से आपको डायल करना है। तो डायल करने के बाद आपको यहाँ पे कॉल कर लेना है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपका यूपीआई आईडी ओपन नहीं है यानी कि रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे पहले ही शो कर देगा कि आपको रजिस्टर करना है, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है एंड अगर आपका यूपीआई एड्रेस ऑलरेडी है सिंपली यहाँ पे कॉलिंग बटन पे क्लिक कर लेना है एंड आपका जो रजिस्टर सिम है उससे आपको एक बार कॉल कर लेना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो खुलेगा यहाँ पे देखिए मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा 1, 2, 3, 4 करके 7 ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर आप सेंड मनी करना चाहते हो तो एक नंबर डायल करना है, 2 नंबर के रिक्वेस्ट मनी रिसीव करने के लिए, चेक बैलेंस 3 नंबर एंड माई प्रोफाइल जो है यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है, 5 पेंडिंग रिक्वेस्ट अगर आपने कुछ भी रिक्वेस्ट किया, 6 ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन में आप अपना जो मिनी स्टेटमेंट होता है आप निकाल सकते हो एंड UPI पिन 7 नंबर। तो आपको जस्ट बता दूँ यहाँ पे आपको चेक बैलेंस करने के लिए या पैसे सेंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 डायल करना है पैसे सेंड करने के लिए एंड यहाँ पे सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप मोबाइल नंबर पे सेंड करना चाहते हो UPI ID या आप जो है कोई भी सेव करके रखे हो बेनिफिशियरी नाम उसमें सेंड कर सकते हो या तो फिर आप IFSC कोड डाल के अकाउंट नंबर पे भेज सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे UPI ID डाल दूंगा, तो 3 नंबर डालना पड़ेगा, तो 3 डायल करने के बाद सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको बताएगा कि UPI ID डालने के लिए आपको UPI ID डाल देना है कि मैंने UPI ID डाल दिया। डालने के बाद आपको सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो किसको आप भेजना चाहते हो, उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा एंड सिंपली कितना अमाउंट डालना है आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपीज कर दूंगा, तो 100 रुपीज करने के बाद यहाँ पे सेंड इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी डाल देना है एंड उसके बाद सेंड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, UPI ID शो कर रहा है कौन सी UPI ID पे आप जो है पैसे भेज रहे हो एंड आप कितना रुपए भेजना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपीज भेज रहा हूँ एंड अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है सबसे लास्ट प्रोसेस है, आपको जो UPI पिन डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद जस्ट सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो जाएगा एंड आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना, अगर आप चेंज करना चाहते हो पैसे वैसे या तो फिर कोई भी बैंक अकाउंट या किसी का UPI ID चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 डायल करके चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हो जो पैसे हमने सेंड किया, अगर आपको *99# डायल करना है, यहाँ पे आपको 6 नंबर डायल करना है, 6 डायल करने के बाद सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रांजेक्शन के लिए 1 डायल करना है, रिवर्ट्स के लिए 1, रिवर्ट्स के लिए 2, तो ट्रांजेक्शन के लिए 1 डायल कर लूँगा। डायल करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो प्रोसेस होगा एंड यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन फाउंड दिखा रहा है, अभी जो मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया इसलिए नो ट्रांजेक्शन फाउंड दिखा रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो कर देगा। तो इसी तरीके से आप विदाउट इंटरनेट पे पैसे को सेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे खाली UPI ID पे दिखाया, तो अगर आप चाहते हो बैंक अकाउंट पे IFSC कोड डाल के एंड अकाउंट नंबर डाल के कर सकते हो, अदरवाइज मोबाइल नंबर पे आप सेंड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।